तो ये बात है आज से 6 महीने पहले की, जब आईवैक्स में मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में ही मेरा इंटरेस्ट देखते हुए क्रिकेट में ये बात मुझे बताई कि आईवैक्स में क्रिकेट का एक मेगा इवेंट होता है और उस मेगा इवेंट का नाम है आरपीएल। भाई आरपीएल है क्या? RPL एक स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें टीम फ्रॉम ऑल ओवर आईपैक्स कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर फॉर अ ट्रॉफी एंड इट्स अ पैशन, इट्स फन एंड इट्स अ गुड इवेंट फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग एट आईपैक्स। RPL इज अ क्रिकेट वॉर एंड एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। RPL का सीन ऑन है, मतलब RPL इट्स अ मेगा क्रिकेटिंग इवेंट जिसका इंटरनली आईपैक्स जो है ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इट्स वॉर जिसका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। RPL जाएंगे एक और क्या है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे आरपीएल की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई एक्साइटेड था अपनी टीम बनाने के लिए और सब डिपार्टमेंट्स अपनी टीम बनाना शुरू कर दी थी। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट में भी ट्रायल्स हुए और ट्रायल्स में 16 प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई और जिसमें एक मैं भी था। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन हमारा था मेगा इवेंट। इस टूर्नामेंट में टोटल 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना था जो कि 4 ग्रुप में डिवाइड हुई थी। हर ग्रुप में 5 टीम्स थी, 5 में से सिर्फ 2 टीम्स को आगे जाना था और वो 2 टीम्स कौन होंगी ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे टोटल 4 मैचेस थे एक दिन में। आज जो हमारा मैच है वो है UPL ग्राउंड में और लाइट जल गई है, नाइट मैच है और नाइट मैच हार्ड बॉल का नहीं है, आज है मैच टेप बॉल का। और आईपैक्स का टूर्नामेंट है RPL के नाम से और जिसकी बहुत हाई प्लेट थी और उसका 10वां एडिशन है। ओपोनेंट टीम के कैप्टन थे शाह हुसैन जो कि फौसल हसन के छोटे भाई हैं और फौज भाई को तो आप सभी जानते हैं। हमारी टीम से बॉलिंग पे आए हसन तारिक और बैटिंग पे थे शाह हुसैन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अपनी टीम के कैप्टन भी है तो इनके ऊपर खासी जिम्मेदारी थी। और हसन पहला ओवर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, उनके पहले ओवर की 5 बॉलों पे सिर्फ 5 रन ही बना सकी थी ओपोनेंट टीम, लेकिन ओवर की आखिरी बॉल पे यूसुफ ने बहुत अच्छा शॉट खेला और बॉल गई सीधा ग्राउंड से बाहर और इस तरह पहले ओवर में स्कोर आ गया। एक ओवर में 13 रन है, हसन बहुत अच्छा बॉल कराया, अभी तक इन कंट्रोल्ड है, बाकी ले 4 ओवर रह गए। हसन ने पहला ओवर किया बहुत ज़बरदस्त, सिर्फ 13 रन आए, ग्राउंड के हिसाब से अगर 12-15 रन आते हैं तो एक अच्छा ओवर होता है। तो फिर सेकंड ओवर के लिए बुलाया मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर यानी मुझे और इस नॉट नाम का वाली एक ब्लॉगर है ये। नाला बॉल ये जश्मदीप नवम में इस चीज़ का कि आरएस की बॉल से मैंने कीपिंग की थी, अभी फील्ड पर्सन में एक बॉल है ले लिया है पहला विकेट सैयद यूसुफ घर जाकर, चौथा बॉल करेंगे बॉल में इसके अच्छा बॉल और ये चौका यार। 2 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 18 रन है और हमने एक और विकेट गिरा दी है, अभी नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होने वाला है। और फिर मैंने वो ओवर कर दिया सिर्फ 5 रन पे जिसमें एक मिस फील्ड शामिल थी और मिस फील्ड के नतीजे में 4 रन मिले थे, लेकिन 2 अच्छी विकेट मैंने उस ओवर में ले ली थी और इस तरह टोटल स्कोर हुआ था 2 ओवर में 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मुझे लगता है ये बहुत मारे गए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, एक्सेलेंट, थोड़ी तालियां होनी चाहिए फुल फंड की तरफ से। चलो बॉल कर गया, अब बॉल कर दिया है अब शाह हुसैन 2 छक्के मारने के बाद आउट। क्या बात है भाई, बिल्कुल सुन हो गए कि जो समझ भी नहीं आया लेकिन एक्सेलेंट जबरदस्त बेहतरीन खेले, क्या 6 मारा है 3 ओवर की और
35 तीसरा ओवर किया उस्मान ने, क्योंकि उस्मान इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे और आपको पता है कि हर टीम में जब एम्प्लॉयज होते हैं तो एक दो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका गेम थोड़ा एवरेज होता है, तो उस्मान एज अ बॉलर नहीं एज अ बैट्समैन हमारी टीम में खेल रहे थे, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बॉलर्स पूरे नहीं थे तो उस्मान को ओवर देना पड़ा और वो ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। उस ओवर में आए टोटल 28 रन और इस तरह टीम का टोटल हो गया 45 रन तीन ओवर में। फिर दोबारा चौथे ओवर के लिए मुझे बुलाया गया। पहली बॉल छक्का, वो बहुत ही लंबा है ये करेंगे कैच और आउट, दूसरी बॉल पे आउट, चौथा बॉल कैच ले लिया, एक और विकेट स्कोर वन दिस टाइम, एक अच्छा बीट भाई। चार ओवर का खेल मुकम्मल हो गया और 55 रन है और मैंने वो ओवर 10 रन पे किया और इस ओवर में भी मुझे दो विकेट मिली और इस तरह से टीम का टोटल हो गया 55 रन। फिर लास्ट ओवर करने आए हमारी टीम के कैप्टन ताहिर भाई, डबल की बॉल है यार, पहली इनिंग खत्म हो गई है और 71 रन का टारगेट मिला है हम लोगों को और उम्मीद है बन जाएगा यार, पांच ओवर बनता है इतना टारगेट, बाकी अपडेट्स आपको हारिस भाई देंगे। और ताहिर भाई की ओवर में आए 15 रन और इस तरह पांच ओवर के खेल में फूल पांडा ने बनाए 70 रन और हमें टारगेट मिला 71 रन का। सपोर्ट शाहीन की टीम से गए हमजा और फराज ओपनर और मैंने वन डाउन के पैट्स किए हुए थे। हमजा फेस पे और बहुत अच्छा बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन एक रन आसानी से बन जाएगा। तीसरा बॉल करेंगे फराज को, तीसरा बॉल भी यॉर्कर पक्का, दो रन की बॉल है लेकिन एक ही रन पे मुस्तफिक करेंगे, तीन बॉलों पे दो रन आए। चौथा बॉल और हमजा का शॉट, फील्डर मौजूद थे लेकिन फील्डर के ऊपर से बॉल गई और अंपायर का इशारा, 6 रन पे 8 रन आ चुके हैं। पांचवा बॉल फुल टॉस और बॉल जाएगा ग्राउंड से बाहर, लकी वन मॉल के पास जाके गिरेगी है। पांच बॉलों पे 14 रन आ गए और एक और बेहतरीन शॉट, फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे, बॉल जाएगी लकी वन मॉल के अंदर। दूसरे ओवर का पहला लीगल बॉल और कैच उठा दिया हवा में, कैच का चांस है और छोड़ दिया, बहुत अच्छा चांस मिल गया फराज को, दूर से रन अप लेते आ रहे हैं लेकिन पेस उस हिसाब से नहीं है। हमजा का ग्राउंडेड शॉट और ये 4 रन होंगे यकीनन, कोई फील्डर नहीं रोक पाएगा इसको, अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक चौका है और पीछे का 6 मार दिया भाई फराज ने तो यार, मैंने कहा था ये नहीं छोड़ेंगे, इसके बैट पे बॉल आएगी तो बड़ी दूर जाएगी। एक और शॉट और 6 रन, बेहतरीन शॉट, 29 रन चाहिए अभी, शॉट फराज का और ये कैच हो सकता है और फाइनली कैच पकड़ लिया। इसके बाद में बैटिंग पे गया और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट बॉल पे ही कॉट बिहाइंड आउट हो गया। ओवर का आखिरी बॉल और अच्छा शॉट लेकिन बहुत ऊंची गई है बॉल हवा में, फील्डर्स का इम्तहान है और कैच पकड़ लिया यार, बेहतरीन कैच बोला, भी तो आखिरी बॉल चेक कर रहे हैं। दो ओवर में 28 रन रह गए, बेहतरीन शॉट यार मेरा बच्चा, शाबाश एक्सीलेंट शॉट भाई, शाबाश मेरा भाई शाबाश। दो बॉलों पे 10 रन आ चुके हैं, तीसरा भी अच्छा शॉट, अच्छे मार रहे हैं, जा 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 हम जा हम जा, एक्सीलेंट रनिंग और दो रन आसानी से बना दिया, किशन भी हो सकता था लेकिन 3 पे 12 ले लिए उस्मान भाई तक गए, 3 पे 12 आ चुके हैं और एक और शॉट लेकिन ये कैच होगा या फिर बॉल जाएगी बाहर, और कैचेस नहीं छोड़ रहे यार, ये अच्छी बात नहीं की हर कैच पकड़ रहे हैं।
एक्सेलेंट कैच, हसन आएगा बैटिंग पर। हसन का कवर ड्राइव और सिर्फ एक ही रन बनेगा अगर मिसफील्ड ना हुई। और बेहतरीन रनिंग, दो रन कंप्लीट कर लिए, एक्सेलेंट रनिंग। गुड रन, 7 बॉलों पे 14 रन रह गए। और वाइट और ये दो रन भी बन सकते हैं, हसन रनिंग कर रहा हूँ। ओ, दो रन बना लिए, बेस्ट एक्सेलेंट रनिंग यहाँ पे हसन, एक्सेलेंट। 3 रन आ गए, 11 रह गए। हसन गुड कॉल, शाबाश शाबाश शाबाश, डबल डबल, बहुत जबरदस्त। चलो जाओ मोड़ दो, मोड़ दो के रन होंगे, हट जाओ पीछे, सही है। 8 रन लगे, 6 बॉलों पे 8 रन देखें। हम अजान का ब्रेक हुआ अभी और 6 बॉलों पे 8 रन देखें, अजान के बाद मैच स्टार्ट होगा। और ये मैच जो कि हम बहुत आसानी से जीत रहे थे, लेकिन ये लास्ट ओवर पे चला गया मैच और लास्ट ओवर में चाहिए थे हमें 8 रन भी। ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इजीली बन सकते थे, मैच हमारे हाथ में ही था टोटली, लेकिन एंड में ऐसा ट्विस्ट आया कि वो आपको लास्ट ओवर देख के ही पता चलेगा। तो पहले लास्ट ओवर देखें और मैच रिज्यूम हो गया। 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए, कीपर का मिस थ्रो और 1 रन मजीद इजाफा, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक्सेलेंट, 2 रन आ गए। 6 बॉलों पे 6 चाहिए, शाबाश आपे, 6 पे 6 चाहिए, 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए। और राफे भी आउट हो गए, 5 बॉलों पे 6 रन चाहिए। अब चला आए नए बैट्समैन, 5 बॉलों पे 6 रन चाहिए। और फुल टॉस बॉल और सीधा कैच, यार कैच ही नहीं छोड़ रहा है, एक कैच ड्रॉप नहीं किया उन्होंने अभी तक, एक्सीलेंट फील्डिंग। और फिर से आवाम में खुशी की लहर दौड़ी है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हमारी टीम के आए हैं अब ताहिर भाई बैटिंग पे, और ये रन अब ताहिर भाई ही बना सकते हैं। और बॉलर ऑन अ हैट्रिक है, अच्छा बॉल और एक्सेलेंट, 1 रन आया सर, 5 रन चाहिए। हसन का बेहतरीन शॉट और ये बॉल जाएगा, अरे और कैच, यार ये तो बॉल बाहर लग रहा था, शॉट बहुत बेहतरीन था लेकिन कैच आउट हो गया हसन, शॉट बहुत अच्छा था नो डाउट। लास्ट मोमेंट में पूरा मैच पलट दिया बॉलर ने और 9 रन बचा लिए। अच्छा शॉट, गैप शॉट लग रहा है लेकिन फील्डर मौजूद है वहाँ और 2 रन बन जाएंगे, 3 रन चाहिए अब। तीसरा रन लेने की कोशिश में दायर भाई आउट हो गए, अब 1 बॉल पे 3 रन चाहिए। इस तरह लास्ट बॉल पे हमें चाहिए थे 3 रन, और 3 रन बनाना थोड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि अगर बॉल बैट पे लग जाए तो 2 रन तो इजीली बाकी बन सकते हैं और फिर मैच चला जाएगा सुपर ओवर पे। तो देखिए फिर लास्ट बॉल पे क्या हुआ, बहुत ही एक्सेलेंट बॉलिंग कर रही है बॉलर ने, अच्छा कमबैक किया है और ये रन जो थे वो इजीली बन जाते हैं ग्राउंड में, और बैटिंग लाइनअप भी अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है और इस मैच को यहाँ तक पहुँचाया। 1 बॉल पे 3 रन चाहिए जो कि बनना काफ़ी मुश्किल है अब, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 7 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। और इसी के साथ ये टीम जीत गई है और बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया इन्होंने, नो डाउट अपनी बॉलिंग में इन्होंने प्रूव कर दिया और ये मैच बहुत बेहतरीन मैच। और इस तरह ये नेल बाइटिंग मैच हम लोग हार गए सिर्फ 1 रन से, और अब जो है हमारे टूर्नामेंट के 3 मैचेस बाकी हैं और 3 में से हमें एटलीस्ट 2 तो लाजमी जीतने हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 3 जीतें ताकि इजीली हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएं। अगर हम लोग 1 मैच भी हारें तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी।